भाजपा पार्टी के प्रत्याशी राकेश गिरी के समर्थन में आज प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य टीकमगढ़ विधानसभा के बड़ा गांव पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा कांग्रेस नेता को आड़े हाथों लिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि जनता इस बार कमल खिलाएगी। रही बात कमलनाथ की, तो वह स्वयं चुनाव हार जाएंगे और प्रियंका गांधी के लिए कहा कि और भाषाएं जो लिखी हैं वही बोलती हैं। जनता विकास कार्यों को लेकर योजनाओं के मिलने वाले लाभ लेकर इस बार भाजपा को चुनेगी। उनके द्वारा पूर्ण विश्वास जताया गया है और साथ ही ये कहा गया कि अयोध्या में भी कुंभ को लेकर शहर की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को आमंत्रित भी किया जाता है और कहा है कि इस बार हम लोग 3 दिवाली मनाएंगे। पहले दीपावली 12 नवंबर को, दूसरी 3 दिसंबर को और तीसरी जनवरी में अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। इसमें सभी को आमंत्रित किया जाएगा और साथ ही भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी को टीकमगढ़ विधानसभा से बड़े अंतराल में विजय बनाने के लिए जनता से अपील की। देखिए, जो चोर होता है उसकी चोरी, कांग्रेस की यही स्थिति है, चोरी भी करो और सीना जोरी भी भैया ऊपर करो। ये श्री राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार में संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम योजना बनाते हैं, 100 रुपए की देते हैं, 15 रुपया 85 रुपया खा जाते हैं। चोर कौन है? कांग्रेस पार्टी है। जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा है, उसको भ्रष्टाचार पे बात करने की कोई उनको नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखा था मध्य प्रदेश में, वो सपना नींद खुलते उनका गायब हो गया। आज मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी कमल का फूल खिल रहा है। भाजपा की सरकार बन रही है और टीकमगढ़ से हमारे राकेश गिरी जी यहाँ भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, न कांग्रेस का कोई वर्तमान है, न कांग्रेस का कोई भविष्य। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जबरदस्त रिस्पॉन्स, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब धनतेरस के त्योहार के दिन सभा स्थल का कोई हिस्सा 1 इंच खाली नहीं है, तो यह संदेश है कि कमल के फूल से ईवीएम मशीन में भी जगह खाली नहीं बचेगी, यही संदेश है। सर, कल चित्रकूट में एक आम सभा के दौरान कहा, मोदी जी कहते हैं कि किसानों के लिए पैसा नहीं है, 16,000 करोड़ के दो प्लान खरीदे हैं, ये पैसा कहाँ से आया है? वो लिखा हुआ भाषण पढ़ती हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारा कुछ चलता है, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, चाहे प्रियंका वाड्रा जी, और उनको ये पता ही नहीं किसानों के लिए 12,000 सम्मान निधि के रूप में जा रहा है। उनको ये पता ही नहीं हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। उनको ये पता ही नहीं हर गरीब को दोनों समय भोजन की कमी ना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। उनको ये पता ही नहीं लाडली बहने योजना के अंतर्गत 1,250 रुपये धनतेरस की शुभकामना के रूप में बहनों के खाते में मध्य प्रदेश में पहुंच गया है। वो लिखा भाषण पढ़ते हैं, उन्होंने चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको जमीनी हकीकत का ABCD नहीं मालूम है। और कांग्रेस वैसे भी मुक्त भारत बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश में पता नहीं कैसे इतने बचे थे, इस बार उनको जनता उखाड़ फेंकने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में 403 विधायक में से केवल कांग्रेस के 2 विधायक हैं, 80 सांसद में से केवल 1 सांसद है,